कि परमेश्वर मैं अपने सारे पापों को त्याग कर तेरे पास आना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर, मुझे अपने पवित्र आत्मा दे जो मुझे मेरी अगुवाई करे। वो पवित्र आत्मा आपको देगा, कोई इंसानों के हाथ में थोड़ी ये पवित्र आत्मा बांटते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चले जाते हैं पवित्र आत्मा को लेने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, और पवित्र आत्मा के उस विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के विषय में जो है हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा को क्या कार्य करने होंगे, जो पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। और ये कार्य यीशु मसीह के कथन अनुसार हमने सीखा था, अर्थात यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 से 17 पद से सीखा था। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जानेंगे कि पवित्र आत्मा के और कौन कौन से कार्य हैं, कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले, मरने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले उसने कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक क्या क्या कार्य वो जो है इस पृथ्वी पर रहकर हमारे और आपके बीच में करेगा और हमारे और आपके जीवन के द्वारा करेगा, इसके विषय में हम जो है सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कथन क्या है पवित्र आत्मा के विषय में। आज हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पद, यहां क्या लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या है, यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। तीसरा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। चौथा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, जब हम सहायक की बात करते हैं तो हम पिछले संदेश में सुन चुके हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है, परमेश्वर जो है वो हमारा सहायक है और हमारी सहायता करता है। अब बहुत सी बातों में वो सहायता करता है, परंतु यहां पर जो है विशेष बातें मैं गिनाना चाहूंगा किन बातों में हमारी सहायता करता है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में वो हमारी सहायता करता है, पाप और बुराई से निकालने में और उनसे दूर रखने में हमारी सहायता करता है, सत्य को प्रकट करने में हमारी सहायता करता है, परेशानी और मुसीबतों से निकालने में तथा उनसे बचाने में हमारी सहायता करता है, और हमारा न्याय करने में वह हमारी सहायता करता है। जब कोई हमारा हम किसी से न्याय मांगने जाते हैं, जब वो कोई न्याय नहीं करता है तो पवित्र आत्मा जो है फिर वह हमारा न्याय करता है, यहां पर है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी पवित्र आत्मा जो है वो कोई नहीं दे सकता, पिता मेरे नाम से भेजेगा और किसको, जो मांगेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे मिलेगा। आज आप देख लीजिए, बहुत से पास्टर्स, बहुत से प्रचारक, बहुत से ऐसे प्रीचर हैं, वो पवित्र आत्मा बांटते हैं, लो पवित्र आत्मा, लो लो आओ भाई आओ पवित्र आत्मा लो। अरे पवित्र आत्मा है क्या जो आप दे रहे हैं? आप हैं कौन? आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह समझ रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह हैं कि नहीं? लो साहब हमसे लो। और यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा। तुम्हें देने का मतलब, तुम्हें शब्द का मतलब क्या है कि जो कोई मांगेगा, आप मांगेंगे, आप पश्चाताप कीजिए, अपने पापों से तौबा कीजिए और आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर की ओर बढ़े, पश्चाताप करके, एक सच्चा पश्चाताप करके, पापों से की क्षमा मांग के परमेश्वर की ओर बढ़े और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं अपने सारे पापों को त्याग कर तेरे पास आना चाहता हूं, मेरी सहायता कर, मुझे अपने पवित्र आत्मा दे जो मुझे मेरी अगुवाई करे। वो पवित्र आत्मा आपको देगा, कोई इंसानों के हाथ में थोड़ी ये पवित्र आत्मा बांटने। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चले जाते हैं पवित्र आत्मा को लेने, क्या कहूं उनके लिए, एक शब्द आ रहा है, मूर्ख, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो, अरे भाई जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से पिता देगा तो उसके नाम से मांगे और किसी के नाम से नहीं, और कोई दे भी नहीं सकता है क्योंकि पिता सिर्फ
अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से देगा, किसी और नाम से नहीं। इसलिए उसके नाम को जानना और उसके नाम को समझना, सबसे पहले क्या है, यीशु मसीह के नाम से देगा। तो यीशु मसीह के नाम को जानना और यीशु मसीह के नाम को समझना जरूरी है। जब तक आप यीशु मसीह के नाम को, उसकी पावर को, उसकी सामर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक वो पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। आप ऐसे मांगते रहिए, परमेश्वर मुझे अपना पवित्र आत्मा दे दे, यीशु मसीह के नाम से दे दे। पहले आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को समझिए, जानिए और उसकी सामर्थ को समझिए और जानिए और उसको प्राप्त कीजिए, तब पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है। फिर वो क्या कहता है, यीशु मसीह नासरी का नाम जो है ये स्वर्गीय यानी पिता का नाम है, यीशु मसीह नासरी नाम। अब कैसे पिता का नाम है, जब आप देखेंगे योन्ना 17 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब यहां क्या लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। अब मानना यीशु मसीह के नाम से। अब यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह नासरी के नाम से, ये पिता का नाम है और पिता ने अपना नाम देकर पुत्र को यहां भेजा है, इसलिए इसी नाम से मांगना जरूरी है। और आप मांगेंगे, देखिए आपको भूख लगी है तो खाना तो आप ही मांगेंगे ना, है? और किससे मांगेंगे आप, कोई आप जब आप घर के अंदर है तो घर वालों से तो मांगेंगे, या जब आपको भूख लगी है तो घर से निकलकर आप मोहल्ले पड़ोस के लोगों से मांगेंगे, या मोहल्ले पड़ोस के लोगों से या कहीं और जाके मांगेंगे। अगर होटल में आप कहोगे कि नहीं होटल में हम जाते हैं तो वेटर से मांगते हैं, भाई खाना दे, भाई उसको पैसा देते हो ना आप, वो बिजनेस है, वो खाना मांगना नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, आप किससे मांगे, जब आप प्रभु के लोग हो, जब आप कहते हो कि हम प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, तो जब आप प्रभु के लोग हो, जब आप मसीह के लोग हो, तो आप किससे मांगोगे, आप प्रभु से तो मांगोगे, तो प्रभु से मांगना है और यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगना है। यहां क्या लिखा हुआ है मैं आपको और बताना चाहता हूं, यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय उसका 11 और 12 पद और 26 पद पढ़ना चाहूंगा। यहां पर क्या लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ। 26 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। अब यहां पर तीनों पदों में एक चीज दी गई कि पिता जो नाम तूने मुझे दिया वो नाम मैंने उनको बताया, वो नाम मैंने उन पर प्रकट किया। और यीशु मसीह कई बार ये कह चुका है अपने, जब यीशु मसीह के मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कई बार ये कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से, क्यों बार बार ये कह रहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से यानी मांगोगे पिता तुम्हें देगा। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं या जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से निवेदन करते हैं तो वो पिता हमें देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो पिता का नाम है जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। आपने पुराने समय में देखना बहुत से लोग जो हैं, जो पिता का नाम होता था वही पुत्र का नाम रख देते थे। अगर पिता का नाम यूहन्ना है तो उसका नाम भी यूहन्ना रख देंगे, पिता का नाम जकरिया है तो उसका नाम भी जकरिया रख देंगे, पिता का नाम अगर इजाक है तो उसका नाम भी इजाक। क्यों, क्योंकि पिता का नाम बहुत मायने रखता है। और वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने उनको तेरा नाम बता दिया। अब कहां पर पिता का नाम प्रभु यीशु मसीह ने यूज किया, यहोवा या कोई और नाम, उसने सिर्फ अपने नाम की चर्चा करी है और वो नाम पिता का नाम है और उसी नाम से हमें जो है वो मांगना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। अब ये बड़े ध्यान देने की बात है कि कोई दूसरा नाम नहीं है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम है और उस नाम को छोड़ और किसी नाम के सिवाय जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवाय और कहीं उद्धार नहीं है। और ये पिता का नाम है। अब पिता कौन है? जब आप यशाया 9 अध्याय और 6 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है कि हमारे लिए हमें एक बालक दिया गया या हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और वो जो बालक है वो शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता कहलाया गया। यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है वहां पर, यानी अनंत काल का पिता। यशाया 9 के 6 में जब आप पढ़ेंगे वहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, यानी यीशु मसीह जो वो पिता है उसका वो नाम है, वो नाम हमें दिया गया है। और कुलुसियों, जैसे मैं पिछले संदेश में भी बता चुका हूं, इसमें भी बता रहा हूं, कुलुसिया 1:15 में क्या लिखा है, आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप यानी दिखाई ना देने वाला परमेश्वर का प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह जो है वो बताता है। अब यीशु मसीह यहां पर एक बात जरा ध्यान देने की है, आपको ये नाम दूसरों को देना है, खास तौर पर जब उनको जरूरत है, जो बीमार है आपके पास वो नाम है, जितने भी मसीह हैं सबके पास वो नाम है। अब देखिए, अब ये नाम हमें दूसरों को देना है। अब कैसे देना है जरा मेरे साथ निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 6-10 तक पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं एक चीज पढ़ना चाहूंगा, पतरस क्या कहता है 6 पद में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। एक जन्म का लंगड़ा था, लोग जब मंदिर के फाटक के बाहर उसे बैठा देते थे ताकि वो भीख मांगा करे, तो पतरस और यूहन्ना भी गए तो उन्होंने उसे टकटकी बांधे देखा तो उन्होंने उसे कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, अर्थात यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। अब देखिए उसके पास क्या था, उसके पास यीशु मसीह नासरी का नाम, यानी वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है, जो स्वर्गीय पिता का नाम है, उस नाम से वो क्या कहता है, उठ और चल फिर। वो तुरंत बस इतना ही कहा उसने। आज जैसे बड़े प्रार्थना करते हैं, देखो यीशु मसीह चंगा करने जा रहा है, देखो यीशु मसीह ये करने जा रहा है, देखो यीशु मसीह वो करने जा रहा है, देखो यीशु मसीह ऐसा कर रहा है, देखो यीशु मसीह, और मैं तुझसे कहता हूं, और मैं तुझसे कहता हूं, और मैं तुझसे कहता हूं, बार बार उस चीज को रिपीट। यहां पर पतरस यूहन्ना ने ये सब नौटंकी नहीं करी है, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा क्योंकि वो जानते थे यीशु मसीह नासरी के नाम की पावर क्या है, यीशु मसीह नासरी की सामर्थ्य क्या है, वो जानते थे इस बात को। और इसलिए उन्होंने कहा, हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है तुझे देने के लिए, कोई रुपए पैसा नहीं है, कोई धन तुझे देने के लिए नहीं है, परंतु जो हमारे पास है हम वही तुझे देते हैं, अर्थात यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, उठ और चल फिर। और वो तुरंत उठा और चलने पर, बस इतना ही कहा। और आज तो घंटों नौटंकी होती है एक व्यक्ति की चंगाई की प्रार्थना करने के लिए। एक अगर बीमार व्यक्ति अगर बुखार भी होगा तो दुनिया भर के 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की नौटंकी होगी उसको चंगाई देने के लिए। अरे सिर्फ इतना कहना है भाई, यीशु मसीह नासरी के नाम की वो सामर्थ है, और ये नाम किसके पास नहीं है, किस मसीह के पास नहीं है, मगर वो जाएंगे चंगाई के लिए। पादरियों के पास जाएंगे, जरूरी नहीं है कि पादरी आपको चंगाई देगा, जरूरी नहीं कि पादरी आपको चंगा, भाई वो नाम जब आप मसीह के हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के हो और वो नाम आपके पास भी है तो आप उस नाम को यूज क्यों नहीं करते हो। ये तो वही बात हो गई कि साहब खाना बना रखा हुआ है और भूख लगी है मगर खा नहीं रहे, क्यों? क्योंकि कोई देने वाला नहीं है। अरे आप भी तो निकाल, जब आपके हाथ पैर अच्छे हैं, कोई नहीं है तो आपके घर में कोई आएगा तब वो हमें देगा, तब हम खाना खाएंगे। भाई जब आपके पास चीज मौजूद है आप यूज क्यों नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नाम क्या है, सिर्फ पादरियों को और प्रचारकों को दिया है, आपको भी दिया है, आप भी यूज कीजिए। फिर उसकी सामर्थ्य देखिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद प्रभु के लोग हैं और प्रभु आपसे वो करेगा वो लिखा है। और दूसरी बात यहां क्या कहता है, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा, यानी अब जो जो बातें यीशु मसीह ने कही अब वो चेलों से क्या करा, वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। अब हमें सिखाई कौन सी बातें जा रही है कि साहब नहीं वो फलानी कलीसिया ऐसी है, फलाना पादरी ऐसा है, उसके चर्च में मत जाना, उस पादरी को मत बुलाना घर में, उससे प्रार्थना मत करवाना, ये मत करना, ये तो पवित्र आत्मा नहीं सिखाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है एक ही गल्ला एक ही गड़रिया होगा। जब एक ही गल्ला एक ही गड़रिया होगा तो हम भटके हुए क्यों हैं, हम बिखरे हुए क्यों हैं, हम अलग अलग क्यों हैं।
पवित्र आत्मा ये सारी चीजें सिखाएगा, और भी बहुत सी बातें। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं देती हैं कि पवित्र आत्मा सिखा रहा है, मगर वाह हमें चंगाई का वरदान मिला हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम अन्य भाषा बोल सकते हैं, बस इस पे घमंड करते हैं, इस पे गर्व करते हैं और इसी में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने और भी तो बहुत सी बातें कही, वो भी तो लोगों को सिखाओ और खुद भी सीखो, खुद भी मानना सीखो, खुद तो खुद नहीं सीखते, लोगों को भी नहीं सिखा। कितनी मतलब गलत बातें हैं। फिर लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराने का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि याद कराएगा, यानी याद दिलाएगा वो कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा है। तो ये चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है यहां आने का। सिर्फ चंगाई करना या भविष्यवाणी करना यही उद्देश्य नहीं है उसका, और भी बहुत से उद्देश्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं और अपने स्वर्ग जाने से पहले वो बता के गया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे कि तू अपनी समझ का सहारा ले। आज हम लोग क्या काम कर रहे हैं? अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत गलत। हम पवित्र आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं जो क्षमा के योग नहीं। इसलिए आइए पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाने और उस नाम से पिता से पवित्र आत्मा मांगे, वह हमें देगा। और फिर जब वो नाम हमारे पास होगा, उस नाम की सामर्थ होगी, पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की सामर्थ हमारे अंदर डालेगा और उस सामर्थ के द्वारा सिर्फ इतना कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से देखने लग, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मुर्दा जिंदा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बहरा सुनने लगे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से गूंगा बोलने लगे। फिर आप देखिए, आप खुद यही कहोगे, फिर आप कहोगे हाँ पास्टर साहब आपने बिल्कुल सही बताया था, अब हमने जान लिया प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की सामर्थ हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। सामर्थ वो ही देगा, पवित्र आत्मा, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक वो उस नाम की सामर्थ आपके अंदर नहीं आ सकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम की सामर्थ आपके अंदर आए, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए और उसके लायक अपने जीवन को तैयार कीजिए कि पवित्र आत्मा आ सके, आप में वास कर सके और आपके जीवन में आश्चर्यकर्म यीशु मसीह नासरी के नाम से कर सके। प्रभु आप सबको आशीष।